अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे कराची शहर में बारिश हो रही है और ये हमारे ईगल साहब नहा रहे हैं और हमारे बर्ड्स भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम आज का बड़ा प्यारा है। आज की वीडियो बनाने का मतलब यही था कि माशाल्लाह बारिश भी फुल तेज़ हो रही है और मोबाइल भी फुल गीला हो चुका है, तो ये चेक करें। ये हमारे साहब नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मौसम के मज़े ले रहे हैं। और ये देखें आप, अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये अभी छुपने की कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये गए वहाँ पर। आज इनकी इतनी लॉन्ग जंप यहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत अच्छा जंप करा है इसने। तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि मोबाइल मेरा वाटरप्रूफ है नहीं और पूरा गीला हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे ईगल ने बारिश, आज कराची की फर्स्ट बारिश हुई थी गर्मियों की, तो उसके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा नहा हुआ कर अभी ये फ्रेश फ्रेश बाहर घूम रहे हैं जनाब। और आज इनकी फीडिंग वगैरह भी अभी तक नहीं करी मैंने, और बजरी वगैरह भी सारे ऑप्शन बारिश में हमारी छत देखो कितनी साफ हुई पड़ी है। और ये शहजादे अभी थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा घूम फिर ले, इसकी फीड वहाँ पड़ी है। और हमारे बजरी का एक बच्चा अभी माशाल्लाह से रेड है इसका, वो भी बाहर आ चुका है। तो आज इसके पर के अंदर एक बहुत गहरी चोट लग गई थी, जो कि इसकी खुद की हरकतों की वजह से, इसे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सही करना चाह रहा हूँ लेकिन ये होना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्या। तो ये इसकी दुम वगैरह भी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से, और इसके विंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल बने हुए हैं इसके परों के, दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाग रहे हैं जनाब, इधर आओ, आ जाओ भाई। ये शहजादे जो है ना हमारे बड़े नखरे कर रहे हैं आजकल, तो इसको उधर बुलाते हैं ज़रा। आज इसके लिए लाया हूँ मैं चिकन, ये चेक करें कैसा आ रहा चिकन के पीछे पीछे हमारे। आओ आजा, ये आ रहे हैं, इसको यहाँ बिठाते हैं हम ऊपर हैंड के ऊपर ले आके। आओ बैठो, आओ। नहीं आ रहे, ये आजकल नखरे बड़े कर रहा है हाथ पे आने में। ये चेक करें, यह हाथ पे चढ़ गया। एंड टाइमिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। और इधर उतर जाओ जनाब, उतर जा भाई, उतर जा। बहुत ही गलत सीन हो गया, पिंजरे के ऊपर हाथ से नीचे ही उड़ रहा था, गौशाला के रखा हुआ है इसका, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। चेहरे के ऊपर आता ना जब, तो अभी बाजू के शोल्डर तक के चढ़ चुका था ये। ये देखें, ये हाथ के ऊपर आया, ये चला गया इधर। अब करता रहेगा अपना काम, गोश दे देते हैं इसको। इधर रखते हैं पीछे, बिल्ली से बिल्ली वगैरह ना दे जाए। तो अभी फ्रेश फ्रेश गोश्त कट रहा था, मैंने बोला इसके लिए लेके चलते हैं और आज इसको चिकन देते हैं। वैसे तो डेली ये बीफ ही खा रहा होता है, तो चिकन हफ्ते में एक बार। वैसे मुर्गी आजकल इतनी फेंकी हुई भी है कि बीफ सस्ता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है खाने के लिए, लेकिन जायका चेंज होना चाहिए। अभी ऊपर से कोई आवाज़ दे रहा है तो उसे देख रहा है। और आज की बारिश की वीडियो भी इसकी थोड़ी बहुत है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, वो शुरू में ही चल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरी आने वाली वीडियो जो होगी वो गोल्डन ईगल के ऊपर की हंटिंग के ऊपर है। वो एक वीडियो मैंने देखी थी तो मैंने सोचा उसके अंदर कुछ आपको बताया जाए उसके बारे में भी, तो इंशाल्लाह वो कल आ जाएगी वो वीडियो भी। ये चेक करें, हड्डी वगैरह कुछ भी हो ये सब हज़म कर जाते हैं।
माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा खा रहा है। ये देखें इसके पर के अंदर यहाँ से खून निकल रहा है। आज इसने ये पर जो है ना अपना, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, हाथ पे ना मारी उसने, वैसे ही मुझे बड़ा जख्मी करा हुआ है आजकल। ये देखें एक मिनट लाइट जला के दिखाते हैं, ऐसे दिख नहीं रहा। मैं ये अभी खाना खा रहा है ना तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा, इसका सारा ध्यान उधर ही है। फ्लैश लाइट ऑन नहीं हुई, फ्लैश लाइट नहीं चली हमारी, वो चलाते हैं पहले। चलिए ये चेक करें, ये पूरे विंग्स इसके डैमेज हुए पड़े थे आज, इसने बहुत ज़्यादा खुद को मारा है समझ लो यूँ के लिए कि ये असल में यहाँ बैठा रहता है और या तो नीचे बैठा रहता है। तो नीचे जब बैठा हुआ होता है तो ये क्या बोलते हैं, बिल्ली वगैरह आ गई थी तो उससे लड़ने लड़ने के चक्कर में इसके यहाँ पे चोट लग गई। तो अभी इसकी दवाई शवाई लगा दी हमने, इंशाल्लाह अभी खून वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा, काफ़ी हद तक के सेट है। ये देखिए बहुत हद तक के सेट हो गया अभी, ऐसे माशाल्लाह से फीडिंग बहुत अच्छी ले रहा है। और अब ये सोचेंगे कि जब ये हमारा हाथ यूँ पकड़ के उसको यूँ नोचने लग जाए तो फिर उसका क्या हाल होने वाला होगा बुटियों का। खैर इतना बहुत मासूम है ये और बहुत अच्छा है, बस दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द रोने लायक हो जाए और अपनी दुनिया में वापसी जाने के काबिल हो जाए। तो दिल से खुशी होगी हमें इसकी खिदमत करने की, और इसे हमने इतना रखा है, इसकी इतनी खिदमत की। और जब ये उड़ेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर उड़ेगा और जाएगा अपनी दुनिया में भी। तो हाँ जनाब, ये हमारे रिंगनेक का पट्टा निकला है और ये देखें ये कैसे आ रही है हमारे पास देखने के लिए। ये येलो कलर में जो है रेड आइज में ही हमारा अभी पट्टा, एक पट्टा बाहर निकल गया, छः बच्चे हुए थे अभी, एक पट्टा मट्टी से बाहर आ गया है। और ये इस जोड़े का बच्चा है जो ग्रीन नीचे घूम रहा है ना, ये इस साइड पे जो बैठा हुआ है, ये मेल मेरा यूँ कह लेंगे बहुत अच्छा मेल है, हैंड टाइम है। और ये देखिए दोनों मेरी उंगलियों के ऊपर जो है ना, ये देखें उंगली दूंगा ना इसको तो ये आता है मतलब के मजाक करने के लिए। ये चेक करें, अभी असल में ये फीमेल का ये बच्चा था येलो वाला, तो ये वैसे ज़्यादा टाइम मटकी में ही गुजारती थी, अब जो है ना वो बच्चा बाहर आ चुका है, एक ही बच्चा निकाला था इसने तो वो अब बाहर मतलब कि ये घूम रही है यूँ आगे पीछे ना, वैसे इतना लिफ्ट नहीं कराती थी हमारे को ये। तो ये माशाल्लाह से रेड आई का बच्चा, अभी ये पहला पट्टा निकला है और वो नीचे से मादी जो है ना ऊपर जाके देख रही है। और बारिश के अंदर इनके केज के हालात बड़े ख़राब हुए हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंद हुआ हुआ था, तो ये सारा साफ करा। असल में ये यूँ आगे पीछे घूम रहे हैं कि इनका मैंने आज दाना बाहर निकाल के रखा हुआ है, वो गीला हो गया था सारा, तो इसलिए ये थोड़ा सा लिफ्ट करा रहे हैं आज ये लोग भी। तो ये चेक करें, ये माशाल्लाह मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ये मेरे पास टिकता नहीं है, रेड आई हमेशा ही ये जोड़ा निकालता है लेकिन टिकता कभी भी नहीं, कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। इंशाल्लाह इसको अभी रखेंगे और इसका अगर दोबारा कोई बच्चा निकलता है तो उसके साथ भी इसकी ब्रीड करवाएंगे इंशाल्लाह। तो तीन जोड़े से अभी हमारे पास तीन जोड़े थे, सात पट्टे निकले हैं, हाँ जी दो पाँच छः सात आठ पट्टे निकले हैं हमारे अभी इस मतलब के क्लच में, तो इंशाल्लाह ये बढ़ते जाएंगे। पहले मेरे पास कोई 30 पेयर थे इसके ना, ये पूरा मेरा जाल भरा हुआ था, उसकी मैं एक तस्वीर भी आपको दे दूँगा, इसी वीडियो में लगा दूँगा। तो ये जाल पूरा के पूरा इसी का बनाया था मैंने, सबसे पहले स्टार्ट मैंने बजरी से लिया था, फिर ये रिंगनेक लेकर आया था, और उसके बाद मैं रिंगनेक लेकर आया था, फिर उसके बाद ये जनाब आ गए हमारे पास
और मुर्गियाँ वगैरह भी रखी थी पहले, लेकिन अब शौक नहीं था, ख़त्म हो गया था। फिर दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे शौक। तो अभी मेरा जो माइंड है वो अभी असल में सीज़न चल रहा है काम का हमारे, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा। और ना ये जो हमारी जगह है जहाँ तक ये ईगल बैठा हुआ, ये वाले केज से लेके ये दीवार के कोने तक के, यहाँ तक के ये पूरा जाल बनाकर उसके बाद जो है तो हम यहाँ पर कितनी नई वैरायटियाँ ऐड करेंगे। इसने अपना गोश्त ख़त्म कर लिया है, इसको एक और पीस उठा के देखें। ये लो भाई, ये लो। अभी असल में इसका थोड़ा बहुत पेट भर गया है, तो ये थोड़ी देर बाद ही खाएगा। ये फिलहाल ले लो आप, ये लो। जो खाया था वो भी निकाल दिया इसने, ये बहुत गंदी आदत है इसकी, ये देखें। तो ये लो वापसी, अब इसको खाओ वापसी, ये गंदा। बहरहाल ये इसकी बड़ी गंदी आदत है, ओवरफ्लो होके खाता है, फिर बाद में निकाल देता है, फिर खाता है, फिर निकाल देता है। तो ये चलता रहता है जब तक हज़म नहीं होता इसको, लेकिन कभी कभार करता है ऐसा, रोज़ रोज़ की नहीं होती, तो ये भी देखना पड़ता है हम लोगों को। ये देखें अभी ये इसने सारा गोश्त खाकर फिर नहीं, ये भी देखना पड़ता है हम लोगों को कभी कभी। फ़िलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, अब शौक करने होते हैं तो फिर ये सारी बातें नहीं सोचता बंदा। खैर अभी इनको हम दाना देते हैं और फिर यहीं पे हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।